आरंभ है प्रचंड, बोलो मस्तकों के झुंड। क्या सर गाना गा रहे हो? जंग की घड़ी की पुहार है, मतलब आज से हमारे जंग शुरू हो रही है, जंग का आरंभ हो रहा है। कैसी जंग सर? क्या क्या बोल क्या रहे हो? जंग कौन सी करनी है? तो MSBT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उनके लिए मैंने ये शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज है, मैथमेटिक्स के लिए है। अभी पूरी सीरीज होगी, सारे चैप्टर्स कवर होंगे, M1 M2। अभी ये जो कर रहे हैं शुरू, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको आप M1 भी बोलते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अंडर MSBT, ठीक है, कोर्स समझिए, ठीक है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। और बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, और उसको हम शॉर्ट में M1 बोलते हैं। सेकंड सेमेस्टर में M2 होता है। पहला चैप्टर आपको देखने मिलता है, जिसका नाम है लॉगरिदम, जिसका फाइनल एग्जाम में वेटेज, फाइनल एग्जाम कितने मार्क का होता है आपका? 70 मार्क, ठीक है, जिसका वेटेज है सिर्फ 2 मार्क। 2 मार्क के लिए सर इतना क्या? सर 2 मार्क छोड़ देते? नहीं, क्यों नहीं छोड़ना है? बकवास, बकवास चैप्टर है। बकवास मतलब फालतू, फालतू मतलब फालतू का मतलब गलत नहीं लेना है। ये चैप्टर जो है ये फ्री के मार्क्स है, इसको नहीं छोड़ना है आपको। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, बराबर, ये चल आपको ध्यान से देखना है पूरा सीरीज। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताऊंगा एट द एंड, या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद, या पूरा ये खत्म होने के बाद, फिर कभी भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बताऊंगा, उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। और ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इसके पीछे, ठीक है। जब जब मैं क्वेश्चन पेपर IMP एग्ज़ाम के पहले जब IMP क्वेश्चंस बनाता हूँ, उसमें से ही 90% पेपर आया है, आता है और आएगा। तो ध्यान देना है आपको, बस आपको करना क्या है सर? हमको क्या करना है सर? हमको सिर्फ आपने बोला है ध्यान देना है, हम ध्यान देंगे। और सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। मैंने डिसाइड किया है यार, आसपास जो मैं कोचिंग लेता था, पैसे लेके लेता हूँ अभी भी, अब मैंने डिसाइड किया है, मैं जहाँ पर जिस एरिया में कोचिंग लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे, जहाँ पर आसपास जितने कॉलेजेस हैं वही बच्चे आ पाएंगे, ठीक है। अगर मैं मुंबई में कोचिंग लेता हूँ, तो कोई बंदा जो सोलापुर या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में है, मराठवाड़ा कहीं भी है, वो नहीं आ पाएगा। तो ऑफ कोर्स इसलिए मैंने, फ्रेंकली स्पीकिंग, यूट्यूब का जो ज़रिया है इसलिए पकड़ा है कि मैं जो पढ़ाता हूँ सारे बच्चों को फ़ायदा हो। और हर साल हमारे कोचिंग का नाम वगैरह, मेरा नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। तो हर साल टॉपर हमारे होते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के। ये मैं कोई बोस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। और मैं आपको आपको क्रॉस चेक करना है तो भी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, ठीक है। और जितने सब्जेक्ट पढ़ाया मैंने, M1 M2, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है आपको, नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, तो वो जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिन लोगों को है वो भी उसका फ़ायदा, वो भी फ्री में मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। अभी शुरुआत करेंगे हम, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। क्या? फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो आपको पहले आएगा बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स है, मतलब ये कोई एडवांस लेवल का तो है नहीं, अप्लाइड नहीं है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम होता है। आप 10वीं के बाद डिप्लोमा में आते हो, राइट, लेकिन 10वीं तक का जो मैथमेटिक्स का बेस होता है वो क्लियर नहीं होने की वजह से, छोटी छोटी चीज़ें आपने इग्नोर कर दी होती है, इस वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी जो स्कूल में आपने इग्नोर की है, वो चीज़ें भी मैं आपको फिर से यहाँ पर पढ़ाऊँगा हर एक प्रॉब्लम लेते समय, ठीक है। तो मैं वादा करता हूँ आपके साथ एंड तक बने रहूँगा, बराबर। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा आपका, और उसको
जितना बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट रिप्लाई हो सके मैं देने की कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और ये सब करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, MSBT के अंडर महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे हर साल पढ़ते हैं, उनको अगर वो किसी भी वजह से, किसी के पास वक्त नहीं होता है, किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी का कुछ और रीज़न होता है जो वहाँ के लोकल कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, या फिर उनको ज्वाइन नहीं करना है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मर्ज़ी से नहीं करता है, सब कुछ है फिर भी नहीं करना है यार, ऐसा भी होता है, तो वो अगर चाहे तो ये मेरी सीरीज़ देख के पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टडी करके, और मैं वादा कर रहा हूँ, और एक वादा, आप जहाँ भी कोचिंग करेंगे जो भी होगा उससे 10 गुना, मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 10 गुना मेहनत मैं करूँगा आपके लिए, और आप इससे 10 गुना फ़ायदा भी उठा सकते हो, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है एंड तक, और मैं आपको मैथमेटिक्स ही नहीं हर एक सब्जेक्ट के लिए गाइड करूँगा, डिप्लोमा के बाद भी आपका करियर जो भी है उसके हिसाब से भी मैं गाइड करूँगा आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि आपकी उम्र अभी ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती है, और ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं करनी है, वक्त के साथ साथ बहुत पता भी चल जाता है। आप तो उतने होशियार होंगे ही, क्योंकि आजकल का जनरेशन तो बहुत आगे है वैसे, ठीक है, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये जो सब्जेक्ट से वही ज़्यादा बताना पड़ता है, ठीक है। तो और एक बात मैं बताऊँ, कैलकुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेटर जो होता है वो यूज़ करना नहीं आता है, कैलकुलेटर में अगर आप परफेक्ट बन जाते हो तो 50% काम कैलकुलेटर में हो जाता है, कम से कम 50% काम पेपर सॉल्व कैलकुलेटर में हो जाता है। क्या बोल रहे हो सर, ये क्या सही है? हाँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं हर एक स्टेप, हाँ, लेकिन आपको लिखते समय भी ऐसे लिखना है कि आपके मार्क्स कट ना हो। अगर इसका सवाल कोई भी है भाई, डायरेक्ट कैलसी में भी आ सकता है, लेकिन आपको लिखना कैसे है ताकि आपका आधा भी मार्क कट ना हो, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और कैलसी का यूज़ कैसे करना है स्मार्टली, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त और गवाए, पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा मैंने आपका टाइम लिया है, लेकिन अब शुरू करते हैं। टाइप 1 है, उसमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा, एक्सपोनेंशियल मतलब समथिंग रेस टू समथिंग, ऐसा रहेगा किसी के ऊपर कुछ, उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये बेस हो गया, एक्सपोनेंट बोल दिया, बराबर ऊपर का जो नंबर है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, मतलब वहाँ पे लॉग आना चाहिए, बराबर। ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, बराबर। और एट द एंड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो ही जिसमें से आएंगे पक्का, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में आता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में आएगा ये आपको, क्वेश्चन 1, उसमें आएगा 2 मार्क के लिए, इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा बेस भी आपका क्लियर हो जाएगा इसके साथ साथ, तो ध्यान देना है। सिंपल टाइप 1 क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा, उसका लॉगरिथमिक फॉर्म करना है, बराबर। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम करेंगे और लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, a रेस टू b इज इक्वल्स टू x, इस फॉर्म में दिया है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उसका लॉग ऑफ ये जो a है नीचे आएगा, बराबर बेस बन जाएगा, ये जो x है लॉग के राइट साइड वाला जो पार्ट है लॉग के सामने आएगा, और ऊपर का जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, जो भी पावर है, क्लियर। इतना ही ध्यान में रखना है, बात खत्म, हर एक प्रॉब्लम हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। a रेस टू b इज इक्वल टू x, हाँ सर फिर से बताओ क्या किया, क्या करने को बोल रहे हो, a रेस टू b इज इक्वल टू x फॉर्म में दिया रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक कैसे करना है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। ये जो a है वो नीचे आएगा, राइट साइड वाला x इधर आएगा, और ऊपर जो है वो b, सर अप्लाई करके भी दिखाओ हमको जरा, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्या दिया है उसमें,
टू रेस टू फाइव इज इक्वल टू 32 दिया, बराबर। तो उसको कैसे कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में? सर ने बोला है पहले तो एल ओ जी लॉग लिखो, ये जो 2 है नीचे आएगा, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है लॉग के सामने आएगा, और ऊपर का जो 5 है वो राइट साइड में चला जाएगा। बात खत्म, कन्वर्ट हो गया, इतना ही लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना है। एक तो ये सवाल बहुत सिंपल है, बराबर, तो आपको इसमें मार्क बिल्कुल भी लूज करना नहीं है अगर आता है तो। अब ये सही है या नहीं ये कैलकुलेटर में कैसे चेक करेंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। हमने क्या प्रूव किया अभी, मतलब हमने क्या लिखा है, इसका जो फॉर्म है ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको, 2 raised to 5 इज इक्वल टू 32 दिया था, उसका लॉगरिथमिक फॉर्म हमने ये वाला लिखा है। तो हम इसको सही है या नहीं कैसे चेक करेंगे, ये लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 ये वाला पार्ट हम कैल्सियम में डालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 5 आना चाहिए, अगर 5 आया तो ये फॉर्म सही है, ठीक है। तो कैल्सियम में चलते हैं, ये वाला कैल्सियम यूज़ करना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला इधर एक लॉग है, ln मतलब भी लॉग होता है, ये वाला जो येलो जी दिख रहा है 2 बक्से वाला उसको लेना है, बराबर। उसके अंदर हमको क्या डालना होता है, नीचे जो है बेस 2 डालना है, फिर राइट एरो करके ऊपर जाना है और 32 डालना है, बराबर, और इक्वल टू दबा देना है। क्लियर, आ गया 5, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने सही कन्वर्जन किया है, क्लियर। अब दूसरा करते हैं, ठीक है। दूसरा बताओ कैसे हो जाएगा, क्या दिया है, 7 raised to 0 इज इक्वल टू 1 दिया है, बराबर। तो इसको क्या करना है, सर ने क्या बोला था, लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे करना है, लॉग जो है लिखना है एलओ जी, और ये 7 नीचे आएगा, और राइट साइड का जो पार्ट होता है वो इधर आएगा, और ये 0 जो है राइट साइड में जाएगा। अच्छा सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप बताते रहो सर, हमको समझ में आ रहा है सर। चलिए इसको भी करते हैं, 10 raised to -1 इज इक्वल टू 0.1 दिया है। डरना नहीं है, कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो क्या फर्क पड़ता है, हमने सीखा है ना, ये जो 10 है वो नीचे आएगा, राइट साइड का इधर लॉक के सामने आएगा, और जो ऊपर का है वो राइट साइड में चला जाएगा, बात खत्म, बराबर। चौथा बताओ सर, आप बहुत बोल रहे हो, चौथा करके दिखाओ हमको, चौथा तो बहुत मुश्किल लग रहा है, 10 raised to -2 इज इक्वल टू 1/100 है सर, इसको लॉगरिथमिक में करना है, बराबर। सर ने क्या बोला था, एल ओ जी लिखो, बराबर, इधर लिखता हूं मैं आपके लिए, एल ओ जी, ये 10 जो है नीचे आएगा, राइट साइड वाला जो पार्ट है वो सामने आएगा, इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो आप, और ऊपर का जो -2 है वो राइट साइड में चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है। फिफ्थ वाला करते हैं सर, क्या है फिफ्थ वाला, 9 raised to 1/2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक कैसे करेंगे, एल ओ जी लिखना है सर, उसके बाद ये जो है उसको नीचे, ये 9 है, ये जी है और ये 9 है, ठीक है, और राइट साइड वाला पार्ट इधर लिखना है, और जो ऊपर है पावर में 1/2 -1/2 है उसको उधर लेके जाना है, बात खत्म। कभी भी आपको बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया और उसको बोला कि भाई लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो, तो आपको यही करना है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। करना क्या है, एट द एंड जो भी ये नंबर है उसको नीचे आएगा, ये लॉग का बेस हो, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 raised to 5 इज इक्वल टू 32, 2 raised to 5 इधर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, कहां पे लिखूं, यहां लिखता हूं, इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 raised to 5 इज इक्वल 32, बात खत्म, इसको ऐसे पढ़ेंगे, हाँ समझ में आ रहा है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ये इधर लिख रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है ना, इसको कैसे लिखेंगे, log of 32 to the base 2
टू दी बेस लॉग ऑफ 32 है, टू दी बेस में कितना है इसके 2 है, टू दी बेस 2 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 5। क्लियर क्लियर, इसको कैसे 2 रेस टू 5 इज इक्वल टू 32, और इसको कैसे पढ़ने, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है चीज़ें कैसे पढ़ते हैं, इसलिए मैंने बताया, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है ध्यान देंगे आप इस तरह से। कभी भी अभी आप अगर टेक्निकल एजुकेशन में आए हैं तो कभी भी ऐसा दिख सकता है, आप डिप्लोमा करेंगे, आगे डिग्री करेंगे, जितना भी करेंगे, किसी भी करियर में जाएंगे, ये बहुत बार दिखेगा आपको, तो आपको कम से कम पढ़ना तो आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टाइप के साथ।